हम खाली टीवी भी देख सकते थे, इतना पावर थी कि कुछ नहीं चल रहा, टीवी बंद है तो भी हम टीवी देखने की शक्ति रखते थे उस वक्त। क्योंकि मैं कॉपी करता था उस वक्त ना, गांव के किसी के दोस्त की ईजा की आवाज निकाल ली, ऐसा कुछ करते थे। और जब ईजा पिठा लगा रही थी तो मैंने कहा अब नहीं हूं, अब नहीं आऊंगा। और माँ भी समझती थी, क्योंकि वो अनान मतलब पलायन 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 लोग बोलते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आज अगर मैं पलायन को लेके मैं बोलूँ कि पलायन अगर नहीं होता तो क्या आज अजीत डोभाल यहाँ होते? बिल्कुल और बड़े गर्व होता है मुझे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मुझे पांडे जी के नाम से जानते हैं। तो आपका वो पहाड़ीवाल नाम मेरे क्यों? को मेरे दोस्त बोलते थे हरिया। हरिया अच्छा नया सिनेमा बनने में समय लगेगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं मैंने एक पिक्चर बनाई थी 25 साल पहले, देखो तो मैं तो कहीं रह ही नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ, लोग को बोलने दो ना आपके बारे में। पहाड़ के लोग पहाड़ में रूनी ने उन्हें है ज्यादा सामान पहाड़ों बम्बई में मेरे घर में चाहिए भाई। तो जिस दिन शूटिंग नहीं होती है या जब उसका टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे होता है तो मैं भटका चुड़कानी बनाता हूँ अपने घर के, अपना कद्दू ककड़ी रायता। मेरे तो एयरपोर्ट में चेकिंग होती है तो सूटकेस में से लौकी निकलती है। खर्चा रंगीलो घर वाली रंगीली, कह खर्चा रंगीलो घर वाली रंगीली, हो मेरो हो मेरो हो मेरो हो मेरो डब जसो परिवार घर चरंगी लो। जो आरजे काव्य के साथ जो बातचीत होगी या आपके माध्यम से जो लोग सुनते हैं ना, वो खाली वाले श्रोता नहीं है, वो जी सच में एक इमोशनल अटैचमेंट उन तमाम श्रोताओं का तुम्हारे इस प्रोग्राम के साथ भी है, उनमें से एक श्रोता मैं भी हूँ। आज जिनके साथ में मैं हूं, सही मायने में बोलूं तो इन्होंने हम उत्तराखंड वालों को सपने देखना दिखाया है। यस, दिखाया भी और सिखाया भी। मेरे जैसे तमाम सारे लोग जब उनको पहली दफे इनके बारे में मालूम चला तो लगा यार अगर ये कर सकते हैं तो शायद मीडिया, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री उस तरफ हम भी जा सकते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, बड़े दाजू आए हैं आज हमारे शो पे। हेमंत पांडे जी, बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो के इंटरव्यू या टीवी के इंटरव्यू या तमाम तरह के इंटरव्यू हम पता नहीं पिछले 20-25 साल से देते आए हुए हैं, लेकिन जो आरजे काव्य के साथ जो बातचीत होगी या आपके माध्यम से जो लोग सुनते हैं ना, वो खाली वाले श्रोता नहीं है, वो जी सच में एक इमोशनल अटैचमेंट उन तमाम श्रोताओं का तुम्हारे इस प्रोग्राम के साथ भी है, उनमें से एक श्रोता मैं भी हूँ। जी हाँ, तो वो कमेंट वगैरह करते रहते हैं उत्तर का पुत्तर, जो यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डालता हूँ या फेसबुक पे, तो दाजू कहूंगा चलेगा ना? हाँ रे बिल्कुल। तो दाजू अगर बात करूँ मैं, पहली दफे वो कब हुआ? क्योंकि आज तो एक्सपोजर बहुत है, इंटरनेट है, लोग देख देख के रियलिटी शोज हैं तो सोचते हैं इस तरफ चले जाएं। वहां बैठे पिथौरागढ़ का एक व्यक्ति 25-30 साल पहले ये सोचे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा या ऐसा कुछ काम करूंगा, ये ख्याल कैसे आ गया? ख्याल भी कैसे आया एक्चुअली? दरअसल तब एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, उसमें न्यूज आती थी, वो भी लिमिटेड समय एक उसका होता था, और प्रोग्राम टीवी पे हम तो कृषि दर्शन भी देख लेते थे, क्योंकि हम खाली टीवी भी देख सकते थे, इतना पावर थी कि कुछ नहीं चल रहा, टीवी बंद है तो भी हम टीवी देखने की शक्ति रखते थे उस वक्त। और हमारे घर में टीवी नहीं था, उसका शायद आकर्षण ये रहा होगा, आपके पास है नहीं तो आप दोस्तों, हमारे एक आध अमीर दोस्त थे उनके घर में लगता था, तो वो प्रॉपर तरीके का समारोह जैसा ही होता था टीवी बिल्कुल देखना, बिल्कुल परिवार के परिवार जा रहे हैं और रिस्पेक्टेड आदमी सबसे पीछे वाली सीट में बैठेगा बड़ा, तो हम तो सबसे आगे की पंक्ति के बोरा लेके जाते थे टीवी देखने। तो जिस दोस्त के यहाँ जाते थे, हमारे यहाँ कद्दू ककड़ी ये सब लगती थी या कभी दूध छाछ हाँ। उसको दे आते, ताकि हमारे सीट संबंध, पक्की हो हाँ संबंध जाए। मधुर बने रहें और वहाँ टीवी देखने जाएँ तो अधिकार से देख पाएँ। जी तो वो एक शुरुआत थी, ईश्वर का खेल होता है मुझे ऐसा लगता है, इंट्यूशन वही देता है। जी नाटक जरूर करता था, पिथौरागढ़ में हमने नाटक किए, बांस का एक स्कूल है गांव जी में चंडाक से आगे, हाँ वहाँ भी मैं डिमोशन मेरा हुआ, पढ़ने में मैं ठीक नहीं था तो गांव भेज दिया गया, नाटक वहाँ भी चालू रहे। अच्छा वो पता नहीं ईश्वरी कृपा कह सकते हैं कि छोटी 5वीं क्लास में ही मैंने जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई पता नहीं था कि मैं इस पर जाऊँगा, मतलब उस वक्त वो बहुत रिस्पेक्टेड चीज नहीं मानी जाती थी। लेकिन टीवी देख के एक बार मेरे दोस्त यार भी मजाक उड़ाते थे, और चूंकि मैं कॉपी करता था उस वक्त ना, गांव के किसी के दोस्त की ईजा की आवाज निकाल ली, वो जा 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 जा
ऐसा कुछ करते थे तो वो किसके, उस वक्त एक ये था कि किसी की माँ ने अगर ये बोल दिया किसी बच्चे को, रुक जा आज शाम को आने दे तेरे पिताजी को बताती हूँ, वो तब से लेकर रात पिताजी जब तक ना आ जाए तब तक वही सजा सबसे बड़ी मानी जाती थी। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बाबू आएंगे सास धर 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 ऐसा। तो उस दौर में जो है दोस्त लोग कहते थे यार तू चला जा, हंसी मजाक जो कॉपी वॉपी में करता था, और थोड़ा थोड़ा नाटकों का दौर थोड़ा बढ़िया होने लगा था पिथौरागढ़ में। तो फिर मुझे, और उसका बहाना मुझे क्या मिला, भिटौला के वो देना था चैत के महीने, दीदी को भिटौला देने आना था, दिल्ली में वो थी। तो ईजा ने भिटौले की बात कर, मैंने कहा मैं जाऊँगा, आज ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, उसके अगले दिन ही मैं चला गया। और जब ईजा पिठा लगा रही थी तो मैंने कहा अब नहीं हूँ, अच्छा अब नहीं आऊँगा। और माँ भी समझती थी, क्योंकि वो नान मतलब पलायन 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 लोग बोलते हैं, लेकिन आज अगर मैं पलायन को लेके मैं बोलूँ कि पलायन अगर नहीं होता तो क्या आज अजीत डोभाल यहाँ होते? बिल्कुल। क्या हम, क्या वो राजेंद्र सिंह जी कोस्ट गार्ड के जो चीफ है वो वहाँ होते? पलायन तो होगा 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 होगा, लेकिन अच्छे के लिए हो, अच्छे अच्छे एक आदमी कुछ करने के लिए जाए और कुछ कर कुछ सीख करके या कुछ ऐसा करके जाए तो वो एक अच्छी बात है। अब मजबूरी में पलायन हो तो वो दर्द की बात, वो खराब है बिल्कुल। तो वो भिटौला दिया, अब बात हुई, निकले, ईजा को बोला अब नहीं हूँ, वहाँ से चला गया दिल्ली। बस दिल्ली में फिर हमने तो दो मंजिली बस पहली बार देखी, और सिगरेट पीते हुए लड़कियां हमने देखी, अरे वो जो ऐसा बिंदी बिंदी वाली औरतें तो सिगरेट पी रही। महानगरी जीवन था तो एक शौक, कल्चरल शौक था, और इतने गंवार थे हम कि मुझे दिल्ली में हर आदमी में अपना भविष्य दिखाई देता था। हेलो व्हाट इज योर नेम, कोई ऐसे बोलते थे वो जो, और यही है भाई वो शुरुआत हुई। फिर रंगमंच के लोग मिलने लगे, फिर मैंने त्रिपुरारी शर्मा जी की रेपेट्री कंपनी में काम किया, और जनमाध्यम एक संस्था है उसमें काम किया, और उसके बाद फिर जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं उनमें काम किया, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के ग्रुप होते हैं, 50 रुपये रोज पे उस वक्त मिला करते थे, आज से 30-32 साल पहले, उसमें काम किया। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में मेरा सिलेक्शन हो गया रेपेट्री में, मैं स्कूल का पास आउट नहीं हूँ लेकिन रेपेट्री में सिलेक्शन हो गया उस वक्त। इब्राहिम अलकाजी थे, आए हुए थे 1990 में। तो अब हम चूंकि हम गांव में रहते थे तो हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नाटक किया था जो अंग्रेजी में 11वीं 12वीं में लगता था, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में जो स्टोरी थी वो बड़ी अच्छी लगी हमको। हमने कहा इसका मंचन होना चाहिए, तो मंचन कर दिया। हमें कुछ पता ही नहीं था ड्रेस क्या होती है, कॉस्ट्यूम कुछ नहीं पता, बस रोल कर रहे हैं। तो यहाँ जब NSD रेपेट्री में मेरा इंटरव्यू हुआ तो अलकाई साहब ने पूछा कहाँ के, मैंने बताया मैं पिथौरागढ़ में, तब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, बोले नाटक वाटक किए, मैंने कहा जी हाँ, कौन कौन? मैंने कहा मर्चेंट ऑफ वेनिस। अच्छा बोले कॉस्ट्यूम, व्हाट वाज द कॉस्ट्यूम? मैंने कहा अरे कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े, अच्छा कपड़े थे क्या क्या थे ऐसे? हाँ, हमने कहा वो धोती कुर्ता। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक में हमने धोती कुर्ता और मूंछ, काजल की मूंछ, रुई से दाढ़ी, ऐसा कुछ अपना, हमारी वो उन बच्चे वाली कल्पना थी वो हमने किया। और अलगाई मतलब किसी भी को भी, किसी अच्छे नाटककार को आप बोलोगे हमने ऐसा कॉस्ट्यूम रखा था तो चपेट मारेगा। लेकिन चूंकि अलगाई साहब को लगा होगा कि यार कहाँ गांव, कहाँ पिथौरागढ़, 1919 उस वक्त का टाइम, और हमने जो किया था वो हमने सच्चाई से बता दिया जी। तो उन्होंने कहा कि अभी से आ जाओ आज ही लंच के बाद, और लोगों को कल से ज्वाइन करने को बोला किसी को, परसों मुझे सेम डे मेरे को रेपेट्री में रहने का 2.5-3 साल मौका मिला। तो वहाँ बड़े बड़े अच्छे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, जो जैसे प्रतिमा काजमी हैं, सौरभ शुक्ला हैं, और रोहिताश गौड़ हैं, और भी बहुत सारे कलाकार रहे उस वक्त के। तो उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और NSD के बड़े बड़े डायरेक्टर, चाहे वो राम गोपाल बजाज हों, कीर्ति जैन हों, अंकुर जी हों, और त्रिपुरारी शर्मा हों, तो तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के नाटक और उनमें काम करने का मौका मिला। तो जो थिएटर का जो जीरो लेवल, जो दाढ़ी मूँछ से दाढ़ी, ये काजल दाढ़ी वाली मूँछ से नाटक करने वाला लड़का NSD रेपेट्री में पहुंचा, तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से आपका शुरू हुआ और ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक सीरियल आता है ऑफिस ऑफिस। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे वो हमारी उम्र का हो, हमसे छोटा हो, हमसे बड़ा हो, जिसने वो न देखा हो। तो उसमें जो कैरेक्टर पांडे जी का कैरेक्टर आया, वो कॉन्शियस डिसीजन था कि भाई पांडे जी रखेंगे हम?
या ये हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल राजीव मेहरा जी सीरियल बना रहे थे और सामान्य सीरियलों की तरह हमें भी बुलाया गया, क्योंकि कुछ सीरियल कर रहा था तो मुझे सामान्य तरीके से बुलाया गया। बात बात भी बोला, एक ये रोल है पियोन का, पांडे जी का पहला एपिसोड था। मैंने कहा अच्छी बात है, पांडे नहीं पांडे जी उसका कैरेक्टर की वो थी, वो एक्चुअल में ही लिखा गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके 4-5 एपिसोड के बाद ही वो सीरियल इतना हिट हो गया कि 9-10 साल चला और पांडे जी के नाम से लोग जान, मतलब लंदन वंडन की सड़कों में या कहीं बाहर भी जाता हूँ तो लोग पांडे जी बोलते हैं, तो वो मुझे खुशी होती है कि देखो एक सीरियल ने उस वक्त जो है एक मतलब एक स्थायित्व दिया उसने। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस सीरियल का फायदा तो क्या क्या हुआ वो तो कहने की बात ही नहीं, चीज जीवन भर चल रहा है वो। और बड़े गर्व होता है मुझे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मुझे पांडे जी के नाम से जानते हैं। क्या बात, तो ये बात उन्होंने मेरे दोस्त को बताई, मैं उनको एक बार यहीं उत्तराखंड में मिला था काफ़ी साल पहले, पिथौरागढ़ जब वो आए थे तो रिसीव करने उनको एयरपोर्ट गया था, तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर नमस्कार हलवाई हुई, और मैंने बताया क्योंकि मनोज जोशी मेरे दोस्त हैं, वो बढ़िया एक्टर हैं गुजराती सिनेमा के, चाणक्य बहुत अच्छा करते हैं, तो मैंने बताया मेरे दोस्त ने, तो उनको कभी मिले होंगे वो 2-4-6 महीने बाद, बोले अरे तेरे दोस्त मिले थे पांडे जी वहाँ, तो ये बात मनोज जोशी ने मुझे बताई, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि चलो अपना एक मतलब एक कोई चीज़ भी अगर अच्छी होनी होती है ना, मुझे लगता है फिर जीवन हो जाता है। और आपके घर में हम उत्तराखंड वालों का घर छुपा हुआ है कि हमारे व्यक्ति को अगर देश का प्रधानमंत्री पांडे जी कह के बुलाता है तो ये हमारे लिए भी हुई नहीं वो बात है। तो उसके बाद फिल्में भी हुई, ऋतिक रोशन तक के साथ फिल्म हो गई और तमाम सारे लोगों के साथ, लेकिन बहुत सेलेक्टिव हैं आप, मतलब बहुत कम फिल्में हो रही हैं, ऐसा क्यों है? नहीं फिल्में मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरी फिल्में चल नहीं रही हैं, इसलिए दिख नहीं रही है क्योंकि क्या होता है जब कोई हिट एक पिक्चर होती है तो वो बड़े लंबे समय तक चलती है और लोगों के दिमाग में याद रहती है। अभी जो फिल्में मैंने करी भी तो वो दुर्भाग्य से वो चल नहीं पाई या कम सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई और बड़े वो बड़े एक्टर के साथ भी हो कुछ, तो वो एक संयोग होता है। लेकिन चूंकि ये भाव मेरे भीतर से 10-12-15 क्रिश के टाइम से, मतलब आप समझो क्रिश रिलीज हुई थी इधर और मैं चला गया था ओम पर्वत, 3 दिन का पैदल रास्ता है वहाँ और 3 दिन आना 3 दिन जाना, तो उस एक तरफ आपकी पिक्चर रिलीज हो रही है, इतना बड़ा आपको वो अप्रिसिएशन मिल रहा पूरे देश में, जस्ट इमेजिन जस्ट इमेजिन, और मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ से आने के बाद मेरा एक बार तो एक्टिंग से मन हट गया था। अच्छा। मैं मतलब मुझे थोड़ा अलग लगने लगा था क्योंकि जीवन कई और मायनों के लिए भी हुआ है पैदा, हम तो वो भी समझ में आने लगी, तो वो भाव धीरे 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 मजबूत हो गया जी। उससे हुआ ये कि मेरे भीतर से जो सुरक्षा का जो भाव है वो डेवलप हो गया। जनरली इस तरह के प्रोफेशन में एक लेवल तक, जब तक आदमी अति उपलब्धि नहीं पा लेता या अति अंदर से भीतर से ये ज्ञान आपको नहीं आने लगता कि ये सब तो एक दिखावे एक मात्र एक लाइफ स्टाइल है बाकी कुछ नहीं है, तो उसके बाद जो है जो चेंज आया उससे थोड़ा सा जीवन में चेंज मेरे भी खुद भी आने लगा। मैंने कहा कि ठीक है शूटिंग वूटिंग अब कुछ भी आए काम काम है ये मैं मानता हूँ, चाहे वो टीवी सीरियल हो फिल्में हों वेब सीरीज एक आध मैंने अभी की हैं कुछ भी हो वो मैं कर लेता हूँ लेकिन जब मुझे लगता है कि अभी राशन पानी मेरा है घर परिवार चल रहा है तो मैं उस वक्त मना कर देता हूँ और जहाँ पैसे खत्म हुए तुरंत हाँ कर देता हूँ। क्या बात है, आप उन कमाल के लोगों में से हैं जिनके जब भी इंटरव्यूज में खुद भी देखता था जब भी बातचीत होती है, संजय मिश्रा जी एक बड़े कमाल के, उनका भी मतलब मुझे लगता है मैं ये अगला सवाल मेरा ही होने वाला था, फिल्म इंडस्ट्री में यारी दोस्ती किन से है आपकी? देखो यारी दोस्ती एक सच्चाई की बात बताई जाए तो किसी से नहीं होती, एक दूसरी बात यह है कि आपकी हर किसी से यारी दोस्ती होती क्योंकि आप कलाकार हो, मुक्त भाव से आप जाते हो, जो आपके भीतर कोई कुंठा नहीं है ये बड़ा वो छोटा, हालांकि वो सीग्रेट के कलाकारों में होता होगा कि जब आप मुक्त भाव से जाते हैं कि मंदिर जैसे जा रहे हैं ना कि आज मुझे शूटिंग में मिला काम मिला आज मैं जा रहा हूँ, ये आग है और वहाँ हर आदमी आपको अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है तो वो सब वाइब्रेशन आपको मिलती है आपकी उनको जाती है तो हर आदमी से दोस्ती होती है। और तीसरा जो दोस्ती होती है जो किसी भी शूटिंग में हो, अच्छी पिक्चर हो बढ़िया हो कम हो रिलीज होने वाली हो न होने वाली हो, आप अपने दोस्तों के साथ अगर होते हैं तो वहाँ हमारा जीवन जो स्टाइल है लाइफ स्टाइल है वहाँ उन दिनों बदल जाती है, चाहे हम यूरोप में हों चाहे लंदन में हों चाहे इंडिया में कहीं भी आउटडोर शूटिंग करते हैं तो अपने दोस्त जब मिल जाते हैं ना तो उनके साथ फिर हम
गर्मी हो कितना 45 डिग्री भी टेम्परेचर हो या कड़क ठंड हो, वो सब चीज़ से मुक्त हो गया। हम दोस्ती में इतने मगन रहते हैं, जब शॉट होता है तो शॉट देने चले जाते हैं बड़े शिद्दत से, क्योंकि सारे कलाकार अपनी मेहनत से अपने दम से निकले हुए हैं ये लोग, चाहे वो संजय मिश्रा हों, मनोज पाहवा हों, विनय पाठक हों, राजपाल यादव हों, विजय राज हों, अपना नीरज सूद हों, अभिनय जो लोग आ रहे हैं उनमें कुमुद मिश्रा हैं, तो ये हमारे पुराने 10-10, 20-25 साल पुराने दोस्त हैं। तो पंकज त्रिपाठी हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों के साथ कि अपन रहते हैं तो सब भाव भूल के दुनिया से अलग दो, क्योंकि एक एक ह्यूमर का जो सेंस है या जो लेवल है वो भी लगभग एक जैसा सब में जा रहा होता है ना, तो वो चीज़ें वो मुर्गियाँ एक्टिंग के दौरान भी है ना, तो वो दोस्तों में वो दोस्तों में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, जो जिन लोगों के आपने नाम लिए, पंकज त्रिपाठी हो, मिश्रा जी हों, विजय राज हों, आप हों, आप सब मैं जब देखता हूँ ना, तो वो जब एक वो होती है ना कि यार अच्छे एक्टर, हाँ। जब आप बोलोगे अरे यार ये हैं, हाँ। और अच्छे एक्टर मेरी डेफिनेशन जो कहती है, अच्छा एक्टर मेरे ख्याल से वही है जो आपको अपने परिवार जैसा लगे, वो ऐसा ना लगे कि ये कहीं से आया है सीख के और ये एक्टिंग कर रहा है, वो लगे यार ये मेरे घर का ही आदमी है ये कोई, जब आप करते हैं मिश्रा जी करते हैं ऐसे ही लगता है। सही बात बोलो, मुझे लगता है एक्टिंग ही एक ऐसी चीज है जिसमें एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है। हीरो बनने में करनी पड़ती है, हाँ उसमें करनी पड़ती है। तो अब जो है ये सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, ये ऐसा है कि हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जब भी कोई लड़का लड़की कोई होते हैं, सबके एक नाम स्कूल वाले होते हैं, हाँ। और एक नाम जो यार दोस्त रख देते हैं, निगुना के नाम प्रकाश भैया, ओ परू है, कुंदन हुआ तो कुनी है, तो आपका वो पहाड़ी वाला नाम किचू? मेरे को मेरे दोस्त बोलते थे हरिया। हरिया बोलते थे, अच्छा बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं, आप तो 25-30 सालों से बाहर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड का नाम यू नो आपके नाम से जाना जाता है, जो पहले पहले जो एक्टर थे आप हो गए, निर्मल पांडे और ये सारे लोग, अभी जो है रिसेंटली उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान, तकरीबन 200 से ज़्यादा फिल्में शूटिंग हुई, लेकिन ये वो फिल्में थी ज़्यादातर शायद जो बाहर के लोगों ने यहाँ आके शूट करी, हमारे उत्तराखंड का सिनेमा क्यों नहीं निकल पा रहा है? अगर हेमंत पांडे जैसा व्यक्ति जो जब उत्तराखंड नहीं था तब भी झंडे गाड़ सकता था, निर्मल पांडे जी इतना बढ़िया कर सकते थे, और भी लोग अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं, तो ये इकलौता फील्ड ऐसा क्यों रह जा रहा है कि हमारे यहाँ के लोग यहाँ से सिनेमा नहीं बन रहा और हमारे लिए कुछ नहीं हो पा रहा है? देखो सबसे दुखद बात है, मैंने तो गोपी बीना पिक्चर के दौरान ये इस बात को प्रैक्टिकली देखा, हमारे जो जब जीवन कन्याल जी थे उनके साथ में था, उसके प्रमोशन में भी, रिलीज में भी, हॉल की बुकिंग के लिए के प्रेशर में भी, और तमाम चीज़ों की इतने प्रेशर, इतनी तकलीफ है कि वो तो हमारे भट्टी प्रोड्यूसर जो थे वो हिम्मत वाले थे, नुकसान झेलने की ताकत रखते थे, उन्होंने अपने खुल के जैसे हिंदी सिनेमा में खर्च होता है वैसे उन्होंने खर्च किया, लेकिन ऐसा हर कोई प्रोड्यूसर उत्तराखंड का नहीं कर सकता, सच्चाई की बात यह। और दूसरी बात यह है कि कई लोग जो 20 साल पहले भी फिल्म बना चुके हैं, 25 साल पहले बना चुके हैं, साल में भी 10-15 साल में कभी एक बनाई हो या लाइफ में एक दो बनाई हो, तो वैसे निर्माता निर्देशक यहाँ ज़्यादा हैं, और नया सिनेमा बनने में समय लगेगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ मैंने एक पिक्चर बनाई थी 25 साल पहले देखो, तो मैं तो कहीं रह ही नहीं गया, मैं बोल रहा हूँ लोग को बोलने दो ना आपके बारे में, तो वो उस तरह का एक जो माहौल है वो एक तो कारण है उसका, और दूसरा कारण है कि अब जो नए बच्चे आएंगे, पुरानों से आप किसी तरह की उम्मीद मत रखो, मैं आपके कान में बोलूँ चाहे आपके रेडियो पर बोलूँ, क्योंकि हर जब आदमी की जो आज की प्रवृत्ति जब खत्म हो जाती है ना, मैं तो वो था तो दैट मीन्स आपने आज को खत्म कर दिया, जब आज खत्म कर दिया मतलब आप हो गया, आप चौपट हो गया, आप रास्ता पीछे को हो गया, वो बच्चों से ज्यादा उम्मीद है जो अभी पैदा हुए हैं, नए हुए हैं, जो यंग लड़के हैं उत्तराखंड का जो यूथ है ना, उनसे बहुत उम्मीद है, और उस पूरे यूथ को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो राइटर हों, चाहे डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, आप मिल करके आइए, अगर मैं मुझे दिल से कहानी अच्छी लगती है तो मैं उसमें बहुत ही क्या बोलूंगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए, घर की बात करके समझ बस लेंगे, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मुझे पहाड़ों में रहने में मज़ा आता है, पहाड़ों में शूटिंग करने में मज़ा आता है, और मैं तो आधी कीमत में भी काम कर लेता हूँ उत्तराखंड में, क्योंकि मुझे माइके टाइप गाया हूँ टाइप घर मज़ा आता है पहाड़ में, चाहे वो
पिथौरागढ़ हो चाहे टेहरी हो पौड़ी हो कहीं भी उत्तराखंड का कोई भी कोना हो, बस बस मुझे पता नहीं हर कोना अपना घर लगता है। और उत्तराखंड के लोकेशन के बारे में मैं बोलता हूँ कि उत्तराखंड में जहाँ खड़े हो जाओ वही जगह शूटिंग की लोकेशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, लगा लगाया नेचर ने, ऊपर वाले ने ऐसा सेट लगा के दे रखा, बस आप तो करो। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, जो नए यंग टैलेंट हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जैसा कि पांडे जी कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा नाम आपके पास में है, कुछ करिए। मेरे ख्याल से इनका नाम ही काफी है कि कहीं बोलोगे कि पांडे जी हमारी पिक्चर में है तो मैं तो उत्तराखंड के लिए ना इस्तेमाल होने के लिए भी तैयार हूं मैं, और होता भी हूं। वो तो अब वो रहता ही है, देखिए कुछ कीमत तो देनी पड़ती है ना, जब आप हमें बुरा भी नहीं लगता। तो ये बताइए, बॉम्बे में रहते हुए जहां मतलब जहां देखो बस आदमी आदमी दिख रहा है, इतनी भीड़ और ये सब, वहां पर अपने अंदर का पहाड़ कितना बचा पाते हैं? पहाड़ का फूड खाते हैं बट जौ चुरकानी या जुई खाचा या बे खाचा? ना 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 ना, जो पहाड़ियों मेरे लिए चैलेंज है जा जो पहाड़ के लोग पहाड़ में रूनी ना उन्हें ज्यादा सामान पहाड़ों बंबई में मेरे घर में चले भाई। तो जिस दिन शूटिंग नहीं होती है या जब उसका टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे होता है तो मैं भटका चुड़कानी बनाता हूँ अपने घर के, अपना कद्दू ककड़ी रायता। हाँ। मेरे तो एयरपोर्ट में चेकिंग होती है तो सूटकेस में से लौकी निकलती है। तो और अभी क्या हुआ कि मैं मेरे गमले हैं 5-6 बॉम्बे में। हाँ। उन सब गमलों में मेरे गांव की मिट्टी है, उत्तराखंड की मिट्टी है। और उस मिट्टी में ना चलमोड़ हूँ, चलमोड़ वो उग गया बम्बई में क्योंकि वो मिट्टी में कहीं बीज रहा होगा चलमोड़े का, क्योंकि बम्बई में चलमोड़ा उग ही नहीं सकता। तो वो चलमोड़ वहाँ उग्यो तो मुझे वो चलमोड़े से भी प्यार है कि अपने यहाँ का है ना, अपने यहाँ का हो गया। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। बिल्कुल, तो इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, बातें बहुत हैं लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने हर इंटरव्यू में और जब भी पहाड़ का कोई व्यक्ति मिलता है उससे पहाड़ी गाना ज़रूर गवाता हूँ। अब याद करो कोवल कोहनी कोयल ये कहाँ फंसा है, तेरे घर छ रंगीलो घर वाली रंगीली, घर छ रंगीलो घर वाली रंगीली, हो मेरो हो मेरो हो मेरो हो मेरो डब जैसो परिवार, घर चरंगीलो हो मेरो डब जैसो परिवार, मेरे घर चरंगीलो घर चरंगीलो घर वाली रंगीली, कह घर चरंगीलो घर वाली रंगीली, हो मेरो हो मेरो हो मेरो हो मेरो डब जैसो परिवार, घर चरंगीलो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़े वक्त से मुलाकात तो पहले भी हुई थी, एक इच्छा थी कि कुछ इस तरह की बातचीत हो, लोगों तक पहुंचे। आपको कैसी लगी ये बातचीत, क्या कहना चाहते हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए पांडे जी पढ़ते भी हैं और फिर हम बात करेंगे तो आपस में फिर अगली बार कुछ और प्लान करेंगे। ज़रूर से बताइए, कोई सुझाव हो कोई चीज़ हो ज़रूर से वो चीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, क्या अपनापन होता है, मतलब आरजे काव्य के साथ ना एक ऐसा अपनापन है कि वो शायद वो देवभूमि की वजह से वो देवभूमि की वजह से है मुझे लगता है। और इतना लगाव से, या मैं तो हालांकि एक बात बताऊँ, मुझे 18-20 साल हो गए टीवी नहीं देखते हम लोग, कोई फिल्म नहीं कुछ नहीं, अपने फॉल्स लाइफ जो है ही जो है ही नहीं तो उसमें क्या इन्वॉल्व है ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो आपके दिल को छूती है उनमें से एक प्रोग्राम आपका भी है। क्या बात, इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।